सो गाइज, मैं आ चुका हूँ आजमगढ़ GMC में, क्योंकि मुझे अपने यूपी के स्टेट काउंसिलिंग के लिए डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना है। तो चलिए देखते हैं कि आगे की क्या प्रोसेसिंग होने वाली, मैं अंदर जाके पता करता हूँ सब कुछ। वॉट्स अप माय यूट्यूब पीपल। सो यूपी की स्टेट काउंसिलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, जो कि मैंने कल फ्राइडे को ही कर दिया था। तो आज सैटरडे को हम लोग निकल चुके हैं आजमगढ़ GMC के लिए, जहाँ पे मुझे अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट मैं वहाँ पे वेरीफाई कराऊंगा, उसके बाद ही मैं आगे की प्रोसेसिंग, चॉइस फिलिंग एक्सेट्रा सब कुछ कर पाऊंगा। सो अभी हम लोग रास्ते में निकल चुके हैं आजमगढ़ GMC के लिए, देखते हैं वहाँ पे जाके क्या क्या प्रोसेसिंग होगी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि पहली बार हम लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जा रहे हैं। ये सबसे अच्छी खुशी की बात तो ये है कि हम लोग की नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, जो कि बहुत दिनों से, बहुत बहुत ज़्यादा दिनों से अटकी हुई थी। हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी इस चीज़ से कि हम लोग के कॉलेजेस कब ओपन होंगे, बट फिर भी अभी काउंसलिंग 20 मार्च तक है। तो हम लोग को अभी ये क्या करना होगा कि हम लोग को मे बी कॉलेज अप्रैल में स्टार्ट हो, तो फिलहाल हम लोग काउंसलिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं। कॉलेज कब स्टार्ट होगा कब नहीं, वो तो गवर्नमेंट हम लोग को इन्फॉर्म कर ही देगी, बट फिलहाल हम लोग अपने प्रोसेस सारे फॉलो करते हैं कि काउंसलिंग में जो जो प्रोसेस हैं। तो अभी देखते हैं कि अंदर हम लोग के साथ क्या होगा, क्योंकि हम लोग अभी GMC तक पहुँचे नहीं, हम लोग रास्ते में हैं। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, ज़रा सी नर्वसनेस है कि कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स रॉन्ग तो नहीं हो गए, बट मैंने अपनी तरफ से हर एक डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छी तरीके से वेरीफाई किए हुए हैं खुद की तरफ से। सो मे बी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। मैंने हर एक डॉक्यूमेंट की वीडियो भी बना दी है कि किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम लोग फाइनली आजमगढ़ GMC में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अंदर क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि डॉक्यूमेंट को कैसे वेरीफाई कराते हैं, मुझे किसी भी स्टेप की कोई भी जानकारी नहीं है। बट होपफुली आपको इस वीडियो से हर एक स्टेप की जानकारी हो जाएगी। बट कॉलेज को देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतना बेहतरीन मेडिकल कॉलेज होता है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। सो देखते हैं आगे क्या होता है। बेसिकली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इनकी बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं। ये कॉलेज अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कॉलेज है। ये देखने में बहुत अच्छा ग्राउंड है, यहाँ पे हर एक चीज़ देखने को मिल जा रही है, यहाँ पे अच्छा खासा रोड है, बहुत ज़्यादा हाइजीन और क्लीननेस का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। सो गाइज, मैं उस हॉल में पहुंच चुका हूं जहां पे मुझे अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना है। यह एडमिनिस्ट्रेशन भवन। सो अभी हम लोगों ने कुछ बेसिक सी फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो कराया, और अब हम लोग वेट कर रहे हैं यहां पर बैठकर। देखते हैं आगे हम लोग को, मतलब कब हमारा नंबर आएगा। मेरा तो 12th नंबर है, देखते हैं अभी कब आने वाला है, वो कितना टाइम लगता है। सो गाइज, फाइनली टाइम आ गया, मेरा नंबर आने वाला है। तो अंदर जाके देखते हैं कि डॉक्यूमेंट को कैसे वेरीफाई करते हैं, वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती, तो चलिए देखते हैं। सो गाइज, फाइनली बहुत देर बाद हम लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है, और अब हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। जितनी भी चीज़ें थी सब बहुत ज़्यादा ईजी थी। हम लोग वहाँ पे गए, हर एक चीज़ हम लोग को बता दी गई थी कि कैसे क्या क्या करना है। तो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगी, क्योंकि बहुत देर से हम लोग वहाँ बैठे थे, क्योंकि वहाँ पे उन लोग का वाईफाई जो था ना, वो दोस्तों ख़राब हो चुका था। दूसरी तरीके से जो भी फाइबर वगैरह लगाया गया था, उसके बाद उन लोग का नेट जो आया, तब जाके हम लोग की डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कम्प्लीट हुआ। अभी हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। वेट फॉर नेक्स्ट ब्लॉग।